नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम पटना की सड़कों पर निकले हैं पटना के लोगों से यहाँ की समस्या के बारे में पूछने कि पटना का सबसे बड़ा समस्या क्या है। तो आइए चलते हैं उन लोगों के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि पटना के लोग जो हैं वो किस प्रॉब्लम से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या बिहार में बदलाव का ज़रूरत है? यातायात का प्रॉब्लम बहुत जरूरी है, बदलाव यातायात का बदलना जरूरी है। और क्या समस्या है पटना में? समस्या में अभी पटना में मैडम नाली हो गया, वेरास हो गया, जितना नगर निगम वाले हैं सब सही से काम नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं, सब जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। थोड़ा सा पानी हो जाएगा तो पूरा पटना डूब गया, जिस तरह प्रॉब्लम होता है। और किस क्षेत्र में होना चाहिए बदलाव मैडम? इसे बिहार पटना की बात रहे, जानापुर हो गया, टीकड़बाग हो गया, ये सब एरिया काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड में जा रहा है, ज़्यादा एरिया में बाजार समिति हो गया आपका ये, और अपना पुलिस लाइन जो आपका है जैसे ट्रैफिक नियम के अनुसार से चलते हैं, सब कोई सोचते हैं ट्रिपल लोडिंग नहीं चलेंगे, हेलमेट नहीं चलेंगे, हर दिन पर डे ऐसा नहीं होता है कि ट्रैफिक वाले अपने नियम खुद नहीं तोड़ते हैं, कोई भी हो। जहाँ तक पुलिस लाइन में आपका आज तक जो भी आदमी आते हैं, जब ट्रिपल लोडिंग हर समय देखिएगा मिला, ट्रिपल लोडिंग मिलेगा आपको, डबल लोडिंग विदाउट हेलमेट मिलेंगे। प्रशासन है तो भाई क्या भाई, तो जहाँ से गाड़ी क्रॉस कर लेंगे, मतलब दूसरे प्राइवेट आदमी क्रॉस करते हैं तो चालान काट दिया जाता है। जो भी सरकारी गाड़ी जिप्सी चलता है या जीप चलता है या कोई SP हो या DSP हो, वो लोग सीट बेल्ट यूज नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों का समस्या सही होना चाहिए। आर्यन सिंह, क्या लग रहा है पटना में क्या प्रॉब्लम है अभी जिसको मतलब और सुधार की जरूरत है? पटना में तो अभी ट्रैफिक नियम का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पुलिस वाली तो अपने आप का मनमानी करते हैं, पब्लिक अपना चलेगा विदाउट हेलमेट तो धर लेगी, मारेगी, अति करेगी, और पुलिस अपना मनमानी कर रही है, अपना कुछ भी नियम कानून तोड़ जा रही है, कोई मतलब नहीं है इससे, और क्या कुछ नहीं। और अगर अगर पर्सनली पूछा जाए कि आप पटना में क्या बदलाव देखना चाहते हैं एज अ सिटीजन, तो क्या कहेंगे? पटना में अगर बदलाव देखना चाहिए तो अभी बेरोजगार सब बहुत ज़्यादा मर रहा है, वो सबको सुविधा दिया जाए सरकार की तरफ से। अब हम सब का कोई बहाली तहाली निकल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा है, हम सब स्टूडेंट है हम, कुछ नहीं है, खाली सब आएगा वोट चाहिए हमको, अथी चाहिए, तो सब वोट मिलने से क्या फ़ायदा, जब हम ही सब तो हैं कि बिहार सरकार को चला सकते हैं, और स्टूडेंट को कुछ मिलेगा नहीं सुविधा, तो स्टूडेंट क्या करेगा, मरेगा ही। मोहम्मद शहनवाज आलम, क्या लग रहा है पटना में और क्या बदलने की ज़रूरत है, ग्रो कैसे करें पटना? आई मीन अभी भी अगर आपको आप यहीं रहते हो, पटना के हो ना प्रॉपर, तो क्या लगता है पटना में क्या और बदलाव की ज़रूरत है, क्या समस्या क्या है प्रॉब्लम अभी पटना की? समस्या तो सबसे पहले रोड ही है, सबसे पहले तो रोड है, बहुत आज स्पेशली बहुत ज़्यादा जाम है, बहुत ज़्यादा जाम है, पता नहीं क्यों है। एग्जाम्स चल रहे हैं अभी इसलिए होगा। आप अगर आप मुझे ये बताएं, अब मतलब आप एक दो दिन की कहानी मत बताइए, जैसे मान लीजिए कि 15 साल से एक ही सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि क्या मतलब ऐसा होना चाहिए कि पटना में और सुधार हो हर क्षेत्र में, नॉट ओनली इन वन थिंग, अलग अलग क्षेत्र में भी? क्या लगता है आपको पटना की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पटना का ऐसे देख लीजिए, सबसे पहले तो रोड ही का हम यही बात करेंगे बार बार, क्योंकि जब जब बरसात हो जाता है तो ऐसा चारों तरफ जो है नाली का पानी जो बीच सड़क पर आ जाता है, यहाँ तक के घर के अंदर तक भी प्रवेश करने लगता है, तो ये सब चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का। अभी बरसात शुरू होने वाला था अभी कुछ दिन पहले, तो बरसात ही के टाइम पर ऐन बरसात के मौके पर ही पूरा जो है नाली को कोड़ा जा रहा है, रोड भी जाम उससे हो जा रहा है, नाले का कूड़ा जो है रोड पर आ गया, बुरा हाल हो गया। ये सब पहले से, हाँ बरसात का, ये सब पहले से होना चाहिए था ये सब का इंतज़ाम, कि भाई बरसात जब आएगा तो रास्ता बना रहे, पानी वानी जो है जो भी चीज़ है वो सब अपना रास्ता बना रहे उसी में निकल जाए, ये नहीं कि जो है बरसात आया तब गड्ढा खोद रहे हैं तो पता चला कीचड़ जितना होना था उसे डबल ट्रिपल हो रहा है और ज़्यादा परेशानी लोगों में। मेरा नाम संजीव कुमार, पटना के हैं, हम भागलपुर से हैं। भागलपुर से पटना में कितने साल से रह रहे हैं? हम आते हैं, बराबर आते हैं, काम से आते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है पटना में और क्या बदलने की जरूरत है? हम तो जनता का ही गलती देंगे, इसलिए कि जब कोई भी चुनाव आता है कुछ भी होता है तो अपना वोट जो है सही जगह नहीं जाता है, ठीक है। दूसरी बात है क्या, जो अभी रोड बन रहा है, अरे आप प्लानिंग गंदा कर रहे हैं ना, रोड बनाना पहले नाला बनाइए, नाला बनाने से पहले पानी का कनेक्शन कीजिए आप सही से, तो वो तो होता नहीं है, उल्टा पुल्टा काम, रोड बनाते हैं फिर नाला बनाते हैं, रोड तोड़ते हैं फिर पाइप डालते हैं, ये कौन सा तरीका हुआ? सरकार के अपना बाप घर से पैसा देता है, जनता का पैसा ही अब जनता को लगा रहे हैं, तो ऐसा काम कीजिए कि जनता का पैसा सही यूज काम करे। प्रियांशु कुमार, क्या लगता है आपको पटना में अभी भी क्या बदलने की जरूरत है? हम सबसे पहले तो मैम एजुकेशन के लिए, हम यहाँ पे नेता लोग भाषण देते ये करेंगे वो करेंगे तो कुछ नहीं करते हैं,
हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, माइग्रेंट पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहाँ कोई कॉलेज नहीं है अच्छा सा, गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ कुछ फैसिलिटी नहीं है। मैम हम बी फार्मेसी स्टूडेंट हैं, सोचे थे यहाँ हो जाएगा बट अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं है। कॉलेज में जाओ तो कोई ऐसा पता नहीं, ना लैब है ना ही प्लेसमेंट है, कुछ नहीं मैम। इसलिए मेरे को माइग्रेट करना पड़ा बाहर। अभी वहाँ से दिक्कत आ रही जाने में मैम, अभी टिकट नहीं मिल रहा है ट्रेन का जाने के लिए, अब उधर जाम होने वाला है। प्रमोशन मिला पहले, फिर बोला गया क्या कि जाम होगा दोबारा। मैम जाने में डर लग रहा है कि अगर गए कुछ हो गया हॉस्टल में, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा मैम। इसलिए यहाँ के गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, यहाँ पर स्कूल कॉलेज अच्छा होना चाहिए ताकि यहाँ से बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़े। और दूसरी बात मैम, यहाँ पर इंडस्ट्रियल कुछ है ही नहीं, इंडस्ट्री के एरिया में कुछ नहीं मैम, ना कोई फैक्ट्री है ना कुछ है। अगर जिनको जिनके पास क्वालिटी भी है वो बाहर जाके दूसरी जगह काम कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन में देख लीजिए आप लोग कितने प्रॉब्लम हुआ आने में लोगों को, अभी जा रहे हैं वापस इस तरह से ट्रेन में। मेनली आपको चाहिए एजुकेशन के सेक्टर में जो है वो अच्छा चीज़ चाहिए हम लोग एजुकेशन के लिए, तब जाके हमारे यहाँ से बेरोजगारी हटेगी। अभी लोग को बाहर जाना पड़ता है यहाँ से काम करने के लिए मैम, कुछ नहीं यहाँ पे। विवेक कुमार महतो। कितने साल से रह रहे हैं पटना में? मैम लास्ट 2 ईयर से। 2 साल से। अगर मैं आपसे पूछूं कि पटना में प्रॉब्लम क्या है अभी एज अ सिटीजन, तो आपको क्या लगता है? मैम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है यहाँ पे और सही से लोगों को काम नहीं मिलती उनकी एबिलिटी के हिसाब से, तो सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है। दूसरा ट्रैफिक सही नहीं है और तीसरा छोटे छोटे लोगों को जो मिडिल लोग हैं उनको काम नहीं मिल पाता है यहाँ। मिडिल क्लास लोगों को? यस मैम। उनको काम नहीं मिलता जी। व्हाट गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट को एक सही नीति लाना चाहिए जिससे लोगों को काम मिल सके और सही सैलरी मिलना चाहिए। सही तो सैलरी मिल नहीं पाता मैम, हार्ड वर्क कराते हैं, स्मार्ट वर्क बोल बोल के कुछ तो देते हैं नहीं हम लोग को। क्या लगता है पटना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? किस मामले में? हर मामले में भी सबसे बड़ा दिक्कत क्या चल रहा है? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। यहाँ बिना प्रॉब्लम के ना कोई आदमी है ना कोई यहाँ कोई है। सब प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, राजनीति से लेके कि हम कमाने वाला से लेकर के बेरोजगारी से लेकर के खाना पीना बेचने वाले से लेके ठेला वाला से लेके सबको प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम 90% आदमी को इस समय भारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है और ऐसा स्थिति आ गया है कि अब आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है, समझे ना। क्योंकि यहाँ पर तो सबसे बड़ा कोरोना के काल में सब लोगों की स्थिति गड़बड़ हो गया है और सरकार को तो पता खाली इलेक्शन से मतलब है कि इलेक्शन हम करा के किसी तरह सरकारी चुनाव, इसको सरकारी चुनाव कहिए, सरकारी चुनाव के लिए तत्पर है और किसी जनता से कोई मतलब नहीं। अपना चुनाव आया तो लॉकडाउन तोड़ दिया और जब मैंने इतना दिन से लॉकडाउन लॉकडाउन करके सारा लोग की आर्थिक स्थिति खत्म कर दिया। मैम लूट खसोट हो रहा है ऑनलाइन के नाम पर। ऑनलाइन के नाम पे पटना से हैं आप? हमारे गाड़ी को अपनी गाड़ी सारा पेपर ऑलरेडी टंच रहते हुए पकड़ लिया गया, आज 25,000 फाइन किया हुआ है, 3 महीना डेट बचा हुआ है फेल होने में, फिर भी पकड़ लिया गया है। फिटनेस पहले ऑफलाइन वाला था जो ऑफलाइन चलता था, उसका डेट बचा हुआ है। इसे रिन्यूअल इन्हीं के हाथ से लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। नाम बता दीजिए। नाम? मेरा नाम सतीश कुमार शर्मा हुआ। इन्हीं के हाथ से लाइसेंस बना हुआ है, 10-10, 20-20 वर्ष का पुराना लाइसेंस है और अब कह रहे हैं कि इसमें डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से मिलाई जा रही है तो भैरी नहीं कर रहा है, इसलिए लाइसेंस को हम रिन्यूअल नहीं करेंगे। तो उस समय मोटर व्हीकल एक्ट नहीं था, उस समय जो मापदंड था ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि कैसे बनाए थे, फिर इस तरह से रिजेक्ट करने का क्या तुक है? वो तो समस्या है। अगर हम अगर पटना की मेजर समस्या पे बात करें, अगर आखिर आप पटना के सिटीजन हैं? समस्या तो यहाँ के विधाने बनाया गया है, जो विधान के स्ट्रक्चर में काबिज है ना उनके लिए सिर्फ विधान है, यहाँ के जनता के लिए विधान ही नहीं है। उस पर एक्सप्लेन करने के लिए कही तो हम करेंगे। जैसे दल बदल विधेयक जो आया उससे क्या हुआ, कब किस समय आया, उससे देश के देश के लोगों को क्या लाभ मिला? इस सबसे बड़ा जड़ वही है दल बदल, कुकुर मुत्ता की तरह हजारों पार्टियां का रोज जन्म हो रहा है और पर्सनल दुकान का रूप ले रहा है, तो फिर उसमें क्या होगा जनता का? मतलब जनता हर तरीके से सफर कर रहा है। पार्टी का जितने मेंबर हैं, पार्टी के शीर्ष नेता से वो डील होते हैं, जो कहेंगे रात को कहेंगे कि रात कहो तब वो रह सकते हैं पार्टी में, नहीं तो उनको पार्टी से सच बोलने का कोई जगह नहीं मेरे विधान में रह गया है, इसलिए सच की तो बात ही करना बेबुनियाद है। एम्प्लॉयमेंट एकदम नहीं है,
पटना में आप जहाँ भी देखिएगा एम्प्लॉयमेंट का बहुत मेजर, पटना और बिहार दोनों में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पीक पे है, और ये आज से नहीं है, ये पिछले 10 साल से है। लेकिन करंट जो गवर्नमेंट है कुछ नहीं कर रही है, आने वाला भी कुछ नहीं करेगा, सिर्फ भाषण देके चला जाएगा। खत्म हो चुका है, एकदम उम्मीद खत्म हो चुका है। तो जैसा कि आपने सुना, पटना के लोग ये कह रहे थे कि यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है गंदगी की, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरा यहाँ की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी जो है सरकार को वर्क करना चाहिए, जिसके लिए पटना के जो लोग हैं वो बाहर ना जाएं, अन्य राज्यों में ना जाएं। बिरालेसर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।